बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल की नामांकन रैली और नामांकन रैली में शामिल हुए पीयूष गोयल, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए तस्वीर किस तरह से लगातार जो बीजेपी के तमाम दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं, रोड शो करते हुए नजर आ रहे, जनता से समर्थन की अपील कर रहे हैं। और इसी बीच देखिए ये तस्वीर जहां भारी संख्या में यहां पर मौजूदगी नजर आई बीजेपी कार्यकर्ताओं की, लोगों की। दरअसल नामांकन रैली में शामिल हुए पीयूष गोयल और बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल की नामांकन रैली थी, जिसमें शामिल होते हुए नजर आए चांदनी चौक से उम्मीदवार हैं। और इसी बीच देखिए ये तस्वीरें जहां भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी नजर आई और पीयूष गोयल ने इस नामांकन रैली में वो शामिल होते नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुना था। दिल्ली की 7 सीटें और उत्तर भारत की सभी सीटों पर हमारा गठबंधन NDA जीतने वाला है। वो किधर भी चले जाए हार निश्चित है। तो चांदनी चौक से उम्मीदवार, दिल्ली से ये तस्वीर, नामांकन रैली में शामिल हुए पीयूष गोयल और बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल की नामांकन रैली थी। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर नामांकन की प्रक्रिया जो है वो जारी है। नॉमिनेशन लगातार प्रत्याशियों की तरफ से की जा रही है और इसी बीच बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं वो चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। और जिस तरह से इस बार NDA की तरफ से 400 पार का लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य को साधने के लिए पुरजोर कोशिश जो है वो बीजेपी के तमाम दिग्गज करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल की नामांकन रैली और इस बीच पीयूष गोयल भी में शामिल होते हुए नजर आए, जब मीडिया से मुखातिब हुए, जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। और लगातार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, नॉमिनेशन के पहले दर्शन पूजन करने के साथ साथ, भगवान का आशीर्वाद देने के साथ साथ, जनता के बीच में प्रत्याशी पहुंच रहे, शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी इस बीच नजर आ रही है और जीत को लेकर पूरी तरह से बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है। तो अलग अलग जगहों पर बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं वो कमान संभाले हुए हैं। आज की अगर बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार बंगाल में भरते नजर आए, कांग्रेस पर जमकर निशाना उन्होंने साधा, तो साथ ही साथ उन्होंने जमकर ममता सरकार को भी घेरा है। फिलहाल ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली से जहां चांदनी चौक से उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल की नामांकन रैली और इस बीच पीयूष गोयल भी शामिल हुए। देखिए किस तरह से फूलों की बारिश होती हुई नजर आई और ये काफिला आगे बढ़ता हुआ।